हाय फ्रेंड्स, क्या होता है काला जादू, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स। काला जादू का नाम सामने आते ही भारत का बंगाल राज्य दिमाग में घूमने लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से ज्यादा काला जादू का उपयोग अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वुडू नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है इसमें इस्तेमाल होने वाले जानवरों के शरीर के हिस्से व पुतले। सामान्य लोगों के लिए आज भी ये विद्या एक रहस्य है। आइए जानते हैं क्या होता है काला जादू व इससे जुड़े रहस्य। कैसे होता है काला जादू? तंत्र विज्ञान के अनुसार यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है जिसे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की जरूरत होती है और कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है का उपयोग होता है, जिसे कई तरह की खाने की चीजों जैसे बेसन, उड़द के आटे आदि से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान डाली जाती है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जागृत किया जाता है। अफ्रीका और अन्य देशों में कहा जाता है वुडू मान्यता 1847 में एर्जुली डेंटर नाम की वुडू देवी जो एक पेड़ पर अवतरित हुई थी उससे शुरू हुई थी। उसे सुंदरता और प्यार की देवी माना जाता था। यहाँ उसने कई लोगों की बीमारियाँ और परेशानियाँ अपने जादू से दूर कर दी। एक कैथोलिक पादरी को यह सब पसंद नहीं आया। उसने इसे ईशनिंदा करार देकर उस पेड़ के तने को काट डालने का आदेश दिया। इसके बाद में स्थानीय लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लगे। जानवरों के अंगों का उपयोग वुडू में मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस जादू से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर भी अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान के रोग व परेशानी के इलाज के लिए पुतले का भी उपयोग किया जाता है। वुडू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी ऊर्जा का उपयोग करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वुडू में जानवरों जैसे कि बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली, तेंदुए आदि के अंग उपयोग में लाए जाते हैं। काला जादू क्या होता है? जानकारों का मानना है ये जादू और कुछ नहीं बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है या कहीं एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जाता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझा जा सकता है, जिसके अनुसार एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हिंदी में कहा जाए तो ऊर्जा को नहीं पैदा किया जा सकता है और नहीं इसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसके स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यदि ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। सनातन धर्म का अथर्ववेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। कब किया जाता था ये? जादू विशेषज्ञ मानते हैं पुतले से किसी इंसान का तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल ये तंत्र की एक विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व परेशानियां दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम के साथ जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी पुतले के उसी अंग पर सुई को गड़ाकर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता था। कुछ समय तक ऐसा करने पर तकलीफ खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जा सकता है, जिसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से किसी को जीवन दिया जा सकता है। कब हुआ गलत कामों में उपयोग? कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप में स्थापित किया, तभी से इसे काला जादू नाम दिया जाने लगा। दरअसल उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। गौरतलब है जिस तरह काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी के रोग व परेशानी को दूर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दी जा सकती है। नोट, इस वीडियो को हम सिर्फ एक जानकारी के तौर पर प्रकाशित कर रहे हैं, न कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।